Students, welcome in the modern history class, B.A.L.L.B. fourth semester. I am Doctor Neelam Pandey from Indraprasth Law College, Greater Noida. Students, in this video, we will continue on the remaining parts of the previous lecture. As we, as we have already read its beginning part now we will discuss on rest of the parts education for girls in the 19th century the condition of girls were very poor poor girls were discouraged from attending school some people believed that girls who were educated would not find a husband others were of the belief ट द हजबेंड ऑफ एन एजुकेटेड वुमेन विल डाई यंग स्टूडेंट्स नाइनटीन सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइन्टीन सेंचुरी की जो कंडीशन थी लड़कियों के लिए बहुत खराब थी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए डरे डिस्करेज किया जाता था उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था कुछ लोगों की ये धारणा थी कि पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी नहीं होती है कुछ की ये धारणा थी कि एजुकेटेड जो औरतें होती हैं उनकी शादी अगर होती है तो उनका हस्बैंड यंग एज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है वो विधवा हो जाती हैं तो ये कंडीशन थी लड़कियों की ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी

Jyotiba Phule opened a school for girls belonging to the lower caste. Vidya Sagar also started many schools for girls. He was closely associated with Lord Drinkwater Bentham, who started the first school for girls in Calcutta in 1849. <coughs> Students उस पीरियड के जो रिफॉर्मर्स थे समाज सुधारक थे वो औरतों को शिक्षित करना चाहते थे वो चाहते थे वुमेन टू बी एजुकेटेड ताकि उनकी कंडीशन जो है उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके बग़ैर एजुकेशन के वुमेन की जो कंडीशन थी वो बेटर नहीं हो सकती थी ऐसा बिलीव करते थे नाइन्टीन सेंचुरी के रिफॉर्मर्स उस वक्त के यानी कि नाइन्टीन सेंचुरी की अगर हम देखते हैं बात करते हैं तो एक बिगेस्ट रिफॉर्मर्स uh, थे जो वुमेन एजुकेशन की एडवोकेट्स की करते थे पैरवी करते थे उनमें ज्योतिबा फूले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और उनकी पत्नी सावित्री बा फूले का ज्योतिबा फूले महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बा फूले उस दौर की बिगेस्ट एडवोकेट्स थी जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर जागरूक जागरूक करती थी सावित्री बाूले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं 1848 में ज्योतिबा फूले ने गर्ल्स के लिए जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थीं, उन लड़कियों के लिए स्कूल खोला ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिनको हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उन्होंने भी लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल्स खोले ईश्वरचंद्र विद्यासागर लॉर्ड ड्रिंक वाटर के साथ मिलकर के इन्होंने भी बहुत लड़कियों के लिए आ, काम किया है और लॉर्ड ड्रिंक वैटर, आ, वाटर वाटर बै, बैथ्यून ने 1849 में लड़कियों के लिए फर्स्ट स्कूल खोला है कलकत्ता में तो तो लॉ एगेंस्ट चाइल्ड मैरिज ड्यूरिंग दैट टाइम children were married off at a very early age the reformers protested against this and after a lot of struggle the child marriage restraint act was passed in 1929 this act also known as sarda act the act fixed the minimum age for marriage of girls at 18 and for boys at 21 ड्यूरिंग दैट टाइम उस वक्त लड़कियों की शादी बहुत कम एज में हो जाया करती थी और इसके लिए रिफॉर्मर्स ने काफ़ी संघर्ष किया कि इतनी कम एज जो बाल विवाह होता है ये नहीं होना चाहिए और उनके स्ट्रगल का नतीजा ये निकला कि 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट को पारित किया गया जो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इस एक्ट के तहत लड़कियों की मिनिमम एज डिसाइड की गई शादी के लिए 18 एंड लड़कों की डिसाइड की गई इक्कीस साल यानी 18 साल से कम की लड़कियों की शादी इलीगल मानी जाएगी और 21 साल से कम एज के लड़कों की शादी इलीगल मानी जाएगी इस तरह से बाल विवाह को रोक रोका गया चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम अनदर प्रॉब्लम दैट इंडियन सोसाइटी वाज द कास्ट सिस्टम भारत में भारत की सोसाइटी में ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी ये जो सोशल इविल्स थे लाइक सती सिस्टम बाल विवाह पुअर कंडीशन पिटेबल कंडीशन ऑफ विडो इन सब के अलावा एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग नाइन्टीन सेंचुरी वो थी कास्ट सिस्टम the hindus were divided into caste and sub castes and subcastes at the bottom of the social ladder were the untouchables <coughs> Sorry. they were not allowed to draw water from wells used by people of the high castes nor were they allowed to enter temples and study the sastras हाई कास्ट पर्सन वुड नॉट ईट और ड्रिंक एनी थिंग ट्रस्ट बाई एन टच एबल इंडियन सोसाइटी कई सारी जातियों में उपजातियों में बटी हुई थी हिंदू जो थे वो कई जातियों में फिर कई उपजातियों में बट गए और सबसे निचली जो जाति थी समाज का सबसे निचला तबका जिसको हम कहेंगे वो अनटचेबल्स थे जिनको अछूत भी uh, कहते थे दे वे आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यूज बाई पीपुल ऑफ द हाई कास्ट हाई जिन कुओं को वेल्स को यूज करते थे इन टचेबल्स को अलाउ नहीं था कि वे उस कुएं से पानी लें, यानी सार्वजनिक कुएं से पानी लेने का अधिकार अनटचेबल्स को नहीं था ना ही वे मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे ना ही वो शास्त्र को पढ़ सकते थे जैसा हमने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस को जब हम रा, सॉरी राजा राम मोहन राय को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि आप शास्त्र को हम को हमें उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें उस चीज़ को और समझें कि हमारा हिंदू सोसाइटी कैसा है जो आज के ब्राह्मण से हमें दिखाते हैं कि सोसाइटी अनटचेबल्स है इनको कुआं नहीं छूना है ये मंदिर में नहीं जा सकते इनका हम चूआ नहीं खा सकते ये सब शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है तो शास्त्र को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने फिर हम देखते हैं दयानंद सरस्वती को भी आ, उन्होंने वेदों की और लौटो का जब नारा दिया है यानी सबको शास्त्र के साथ जुड़ने का उन्होंने जुड़ने की बात कही है हाई कास्ट के जो लोग थे वो छोटी जाति के लोगों के साथ जो अनटचेबल उनका उनका छुआ न खाते थे ना पीते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद वर्क फॉर कास्ट रिफॉर्म्स स्वामी विवेकानंद बिलिव दैट कास्ट अ सोशल सिस्टम एंड नॉट अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन द रिलीज द रिलीजियस टेक्स्ट डिड नॉट टॉक ऑफ कास्ट स्वामी विवेकानंद दैट द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट डिड नॉट एडवोकेट एंड टबिलिटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद ने बहुत काम किया है कास्ट रिफॉर्म्स को लेकर स्वामी विवेकानंद को ये विश्वास स्वामी विवेकानंद इसमें विश्वास रखते थे कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये सोशल सिस्टम है इसको समाज में जो कास्ट सिस्टम आज एग्जिस्ट कर रहा है इसका कहीं भी वर्णन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है इसको आज के जो लोग हैं उन्होंने ही इसे बनाया है और कास्ट सिस्टम है ना कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है द रिलीजियस टेस्ट डिड नॉट टॉक ऑफ कास्ट कोई भी धार्मिक ग्रंथ कास्ट सिस्टम की बात नहीं करता है अगर ऋग्वेद आप पढ़ो ऋग्वेद के दसवें मंडल में ये है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है उदर से वैश्य की उत्पत्ति होती है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है ये उनके ओरिजिन की बात होती है वर्ण सिस्टम की लेकिन आ, आ, सबसे ऊपर ब्राह्मण है बाद में नंबर दो पर क्षत्रिय है नंबर तीन पर वैश्य है और नंबर फोर्थ पर शूद्र है ऐसा किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कोई विवेकानंद ये कहते थे कि कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट छुआ छूत की बात नहीं करता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनको वो कुएं से पानी सार्वजनिक कुएं से वो पानी नहीं भर सकते उनका छुआ हम नहीं खा सकते उनका छुआ हम पानी नहीं पी सकते ऐसा कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हमारे गीता रामायण महाभारत उपनिषद वेद किसी में भी नहीं लिखा है ज्योतिबा प्रोपगेटेड कास्ट इक्वेलिटी एंड वर्क टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द अनटचेबल्स ही वॉज अगेंस्ट द डोमेंस ऑफ द ब्राह्मन ब्राह्मण ही ओपन मेनी स्कूल फॉर पीपल कंसिडर्ड लो इन द कास्ट हैर ज्योतिबा फूले महात्मा ज्योतिबा फूले कास्ट इक्वलिटी की बात करते हैं और अनटचेबल्स के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ज्योतिबा फूले ने बहुत काम किया है वो ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारते हैं सोसाइटी में और बहुत ही ओपन मेनी स्कूल्स फॉर पीपल कंसीडर लो इन द कास्ट जो कास्ट सिस्टम में लो कैटेगरी के आते हैं नीचे तबके के आते हैं उनके उत्थान के लिए उनके विकास के लिए उन्होंने बहुत उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे सावित्री बाई फूले उनकी पत्नी जो थी वो घर घर जाकर के लड़कियों को पढ़ाती थी शिक्षित करती थी द फाइट अगेंस्ट अनटचबिलिटी महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नेशन वाइड मूवमेंट अगेंस्ट अनटचबिलिटी ही कॉल्ड पीपुल ऑफ द सो कॉर लोअर कास्ट हरिजन्स और चाइल्ड ऑफ गॉड ही फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी अनटचिबिलिटी लीग एंड स्टार्टेड द वीकली हरिजंस छुआछूत को लेकर एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करा था महात्मा गांधी जी ने अनटचिबिलिटी को लेकर जितना काम महात्मा गांधी ने किया है उतना काम शायद ही किसी ने किया हो पीपल जो लोअर कास्ट के माने जाते थे जिनको हम अनटचेबल्स कहते थे अछूत कहते थे उनको गांधी जी ने हरिजन नाम दिया हरिजन मीन्स चाइल्ड ऑफ गॉड ईश्वर की संतान और एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की उन्होंने हरिजन पुनरुत्थान के लिए और एक वीकली उनकी निकलती थी पत्रिका हरिजन भीमराव अंबेडकर वांटेड टू इन अनटचेबिलिटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हरिजन्स ही फाउंडेड सेवरल जर्नल्स टू ओपन हिज मैसेज ही लेड हिज फॉलोवर्स इन अ सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट कंपेन to assert the right of the untouchables to enter temples and draw water for पब्लिक uh, from public wells during 1927 to 1932. राव अम्बेडकर सोसाइटी में जो अन थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था हरिजन्स के जो एक्सप्लाइटेशन होते थे वो इसे खत्म करना चाहते थे उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स निकाले और उनमें उनकी बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स में उनके आर्टिकल आते थे जिसमें वो अनटचबिलिटी की बात करते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे एक्सप्लाइटेशन की बात करते हैं अंबेडकर की एक आत्मकथा है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि आज़ादी के बाद भी जब वो पहले लॉ मंत्री बनते हैं तो उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता था जो क्लर्क चपरासी होते थे फाइल उन तक कैसे फेंक करके पहुंचाते थे स्कूल टाइम में उनके साथ किस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स बिहेव करते थे ये सारी चीज़ें उनकी आत्मकथा में भी लिखी हुई हैं और उन्होंने एक कम्पेन चलाया था अनटचेबल्स को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए और वो सार्वजनिक कुएं में पानी भर सकें ड्यूरिंग 1927 से लेकर 1932 तक 1927 से लेकर 1932 तक भीमराव अंबेडकर ने एक कंपेन चलाया था जिसमें हरिजनों के लिए मंदिर में प्रवेश की बात की गई थी मंदिर की प्रवेश को लेकर था और सार्वजनिक कुओं में पानी भरने को लेकर था एज रिनेसेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल To reform the society and social, cultural, and political behavior, it has some objectives. To fight social, cultural, and uh, political problems, many reform associations were formed in the 19th century. Remaining part of this subject will be discussed in the next video. <clears throat>

और उनके ही एफर्ट्स एफर्ट के बदौलत राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र विद्यासागर केशव चंद्र सेन इत्यादि ज्योतिबा फूले इन सब के एफर्ट्स की बदौलत सती सिस्टम हमने पढ़ा कि इलीगल कर दिया गया कानून बना दिया गया सती सिस्टम अगर कोई करता है तो कानूनन अपराध माना जाएगा विडो रिमैरिज को लीगलाइज्ड माना गया विधवाएं पुनर्विवाह कर, कर सकती थीं उनके विवाह को मान्यता मिली लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल्स खोले गए बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया ये सब रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स की बदौलत था द रिफॉर्मर्स अटैक्ट द कास्ट सिस्टम दे वर्क फॉर कास्ट रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ अनटिबिलिटी रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम पर भी प्रहार किया कास्ट उनमें कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए कार्य किया अनटचिबिलिटी पर उन्होंने प्रहार किया समाज में अनटचिबिलिटी नहीं होनी चाहिए तो ये सब रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स का नतीजा था स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड यूनिट थैंक यू